कैसे बन जाता है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस किचन में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज मैं आपको यही गुलगुला बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून खाने का सोडा ऐड कर रही हूँ। खाने के सोडे को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और 1 कटोरी शक्कर ऐड करूँगी, मतलब कि 2 कटोरी अगर आटा होगा तो 1 कटोरी शक्कर ऐड करना है आपको। ये मीठा परफेक्ट मीठा होता है। अगर आपको ज़्यादा शक्कर खाना थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं और कम खाना है तो कम कर सकते हैं। बस हमें ये 3 ही चीज़ लगेंगे गुलगुला बनाने के लिए और इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है ये गुलगुला कि आप खाओगे तो खाते रह जाओगे। बस क्या, अब इसके अंदर 2 कटोरी पानी ऐड करना है। पानी है ना आटे के हिसाब से होता है। किसी किसी का आटा बहुत ज़्यादा पीसा होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। किसी किसी का आटा थोड़ा दरदरा होता है इसलिए कम पानी लगता है। तो आप सोचोगे कि कैसे समझेगा कि कितना पानी लेना है। ये चीज़ मैं आपको अंत में बताऊंगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इस सब को। गुलगुला बनाने का सबसे मेन तरीका यही है कि आप उसे अच्छी तरह से मिक्स करो, उसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इसके अंदर हाथ डालने से पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथ धोया था और अब इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड किया है मैंने। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से ये होगा कि लम्स नहीं बनेंगे और हमारा जो गुलगुला का बैटर है बहुत ही स्मूथ बनेगा। और मिक्स करने के साथ साथ इसी तरह से हिलाते रहे, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तब तक आपको पानी इसके अंदर ऐड करते जाना है कि आप चम्मच गिराओ तो कुछ इस तरह से गिरे। इतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके गुलगुले के बैटर की। अब इस गुलगुले को रात भर छोड़ दे इसी तरह से ढक कर रखने से इसके अंदर फर्मेंटेशन होएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब यहाँ पर 5 से 6 घंटे हो चुके हैं गुलगुले को रखे हुए रात भर। आप देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है कितनी अच्छी हो गई है। अब बस क्या, गैस होना चाहिए मीडियम फ्लेम में और उसके अंदर ऑयल ऐड करें। फिर ऑयल गर्म होने के बाद एक एक करके गुलगुला चम्मच के थ्रू या फिर हाथ के से छोड़ दें। अगर आप हाथ गंदा नहीं करना चाहते तो चम्मच से डालें, नहीं तो हाथ से भी डाल सकते हो आप। फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसी तरह से पकाना है। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। एक साइड होने के बाद दूसरी साइड से पकाएं और देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो रहा है ना हमारे गुलगुले। ये देखिए कितने टेस्टी दिख रहे हैं ना हमारे गुलगुले। आप भी इसी तरह से गुलगुले बनाएं, खाएं और अपने अनुभव कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।